वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। रोज संडे को, मतलब एक दो संडे छोड़कर, मैं कुछ ना कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर बात करने लगता हूँ जो मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है, लोग सुनना चाहते हैं। कुछ हो सकता है चंद लोगों को, मैं नहीं कह रहा हजार लोगों को, 50,000 लोगों को, मुझे लगता है कि मुट्ठी भर लोगों को, 100 लोगों को, 50 लोगों को हो सकता है उससे मोटिवेशन मिले और वो अपनी सफलता की ओर खुद खींच जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ, तो आज भी मैं कुछ ऐसा कहने के लिए आया हूँ। मेरे आज की शुरुआत जो इस टॉपिक की है, वो शुरुआत है कि संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती, सफलता की होती है। तो ये सच्चाई है एकदम, संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती, सफलता की कहानी होती है सिर्फ। ये मान के चलिए आप, जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भले ही इंटरव्यू तक पहुँच जा रहे हैं, आप भले ही मेंस निकाल के 75 बार बैठे हुए हैं, आप भले ही यूपीएससी का इंटरव्यू तक दे चुके हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें कर चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन अंततोगत्व अगर आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो ये दुनिया आपको पूछेगी नहीं और नहीं पूछती। ठीक, तो मैंने बोला संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती, सफलता की होती है। सच्चाई है, अभी आप इलाहाबाद के अंदर या दिल्ली के अंदर या जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस अंदर बैठे हुए हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके उस संघर्ष का कोई वैल्यू नहीं है। रात रात भर जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बात अलग है, इस समय बहुत बिरले हैं जो रात भर जग के पढ़ रहे होंगे, सब सो रहे हैं इस वक्त। कोरोना के मारे हर किसी को सुस्ती आ चुकी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं वोटिंग में पोल चला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर पोल के थ्रू देना होता है कि हाँ ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। तो 300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 200 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत है चैनल पे, टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर तो 10,000 के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ जब पार्टिसिपेशन की बात आती है तो बहुत कम लोग पार्टिसिपेशन, सुस्ती आ गई है, सब सो रहे हैं। सबको पता है पेपर नहीं होना है, और अगर होना है तो कितना टाइम लगेगा, यूँ दौड़ेंगे और यूँ पकड़ लेंगे हर चीज़। तो इस मजाक में हर कोई जी रहा है, एकदम से अभी आराम से सो रहे हैं। अभी कल ही पता लगा, परसों या 3-4 दिन के बाद 5 जून को यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। अगर 5 जून को मान लीजिए यूपीएससी ने बोल दिया कि अगस्त या सितंबर में अगर डेट है यूपीएससी के प्री की या कुछ और भी, उसने इंटरव्यू अगर उसने डिक्लेयर कर दिया कि इंटरव्यू को अब से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि तब यूपीपीएससी भी वही करने वाला, यूपीपीसीएस भी तुरंत निकाल दे कैलेंडर अपना, जहां यूपीएससी ने निकाला वहां सारे स्टेट के पीएससी अपना कैलेंडर निकालना शुरू कर देंगे, मतलब झड़ी लग जाएगी। तब आप बैठ के रोएंगे, माथा पीटेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अभी भी 1 महीना है आपके पास कम से कम, कि आप अपने आप को पूरी, अगर अभी तक कोई सो रहा है, अभी भी उसने अपनी किताबें नहीं खोली हैं, कोरोना में हो चुका है, वो कोरोना में ही जी रहा है, तो अभी भी 30 दिन आपके पास, बेहतर 30 दिन हैं। इन 30 दिन का यूटिलाइजेशन आप बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कर सकते हैं। पढ़ने वाले के लिए 30 दिन बहुत होते हैं, वो आराम से, इसका मतलब ये बोलते हैं कि सर पढ़ने वाले के लिए तो 10 दिन भी बहुत होते हैं। कुछ लोग ये भी सोच लेंगे नीचे कमेंट कर, सर पढ़ने वाले के लिए 10 दिन बहुत होते हैं, होते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि युद्ध में आप कितनी बार भी युद्ध करने के लिए जाओ तो अपनी तलवार को पहले चलाना पड़ता है, बहुत दिन तक प्रयास तो लगातार करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप युद्ध है और 5 दिन में आपने तैयारी करके निकल दिया, वो नहीं हो पाएगा। तो अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करिए, अपने उस्तरों को एकदम फेर लीजिए, अच्छे से एकदम शार्प बना दीजिए, पढ़ाई बहुत तगड़े से करिए, क्योंकि एक जो अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई दे रही है वो है एक रिव्यू ऑफिसर 2016। जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को भरा हुआ है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो दुनिया भर की चीज़ें छोड़कर अगर एक में केंद्रित हो जाएँ तो बहुत, समझिए बहुत अच्छा है। उसके बाद यूपीपीसीएस 2020 का प्री होगा, ये भी तय है, होना ही है, ऐसा तो नहीं है नहीं होने वाला, होगा। तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए कि सर पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कुछ लोगों का कमेंट फेसबुक पे पढ़ता हूँ तो बड़ा, मतलब मन से बड़ा दुखी हो जाता हूँ, कोरोना काल अर्थव्यवस्था गिरने वाली है और पेपर इस साल नहीं होंगे, तो अब उनके लिखने से कम कुछ नहीं तो 50 लोगों के दिमाग में फ़र्क पड़ जाता है। मैंने शुरुआत से, मैं वीडियो बना रहा हूँ शुरू से, मैं शुरू से कहता हूँ आया हूँ, जो पहले के दो मेरे वीडियो मैंने मोटिवेशनल बनाए हैं, कि जिस दिन आप, इसने आपको जीत लिया, जिस दिन दिमाग ने आप पे कब्जा कर लिया उस दिन आप हार गए। तो दिमाग कब्जा कर लेता है तुरंत, किसी ने लिखा कि इकोनॉमी गिर रही है और अब एग्ज़ाम होंगे नहीं 2020, ऐसे खाली जाएगा पूरा सत्र, तो आधे तो उसी में मर गए कि अब तो होना ही नहीं कुछ भी, तो आपके दिमाग ने पहले ही हार मान ली क्योंकि आप दिमाग के कब्जे में हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो लगातार कंटिन्यूअसली इस समय में भाग रहे हैं, वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं ना यही समय मिल गया। पढ़ने वाले लोग होते हैं, इन्हें कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लोग हैं, वो किसी भी क्षण उनको जब मौका मिलेगा
तो पढ़ेंगे। सोचिए ना, एग्जाम होता है तो कुछ बच्चे जो वास्तविकता में सीरियस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उसी दिन पढ़ रहे होते हैं, जो वास्तविकता में सीरियस होते हैं वो अंत तक गेट के अंदर मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर घुसने से पहले तक कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होते हैं, रुकते नहीं है वो। और कुछ लोग उन्हें कहते हैं भाई गधा है, एक नंबर क्या पढ़ रहा है, इससे क्या होगा, ये सब घर पे पढ़ना चाहिए था, इससे कुछ नहीं होगा, ये दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। लेकिन वो पढ़ने वाले जो स्टूडियस लोग होते हैं वो किसी भी वक्त में अपने समय को पढ़ने के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ने वाला है वो कोरोना टाइम में पढ़ रहा होगा और कस के पढ़ रहा होगा, सफलता भी उसको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जो कुछ हैं बिरले जो बैठे होंगे इंतजार में कि बस जिस दिन स्कीम निकलेगी उसी दिन शुरुआत करेंगे, तो वो उसी इंतजार में बैठे बैठे रहेंगे और स्कीम निकलने के बाद भी बैठे रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर आदत हो गई है नहीं पढ़ने की, वो आप पढ़ेंगे भी नहीं। तो मैंने बोला सफलता की कहानी होती है संघर्ष की नहीं होती। तो इस वक्त जो लोग इलाहाबाद में हैं, जो घर से दूर हैं बेचारे, या जो दिल्ली में हैं घर से दूर हैं, या जो घर पर हैं भी लेकिन उस माहौल में नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोटी कमाना कितना मुश्किल है, उसको भी जान पा रहे होंगे, तो उनके लिए मतलब उनको ये समझ में आ रहा होगा कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो आज संघर्ष आप कर रहे हो उससे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं देखेगा, चाहे अंदर जाके गुसल खाने में या वॉशरूम में जाके रोवाओ जाके कि बहुत पढ़ा था, मतलब दिन रात मैंने एक कर दिया लेकिन सफल नहीं हो पाया, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपकी रैंक उन 800 या 900 लोगों में आपकी कोई भी रैंक लग गई, चाहे आप नायब तहसीलदार तक बन गए, या आप कोई लोअर में ऑफिसर बन गए, आप समीक्षा अधिकारी बन गए, या आप कोई भी अधिकारी बन गए, अधिकारी ना सही कुछ और भी बन गए, सरकारी लेकिन घुस गए, तो दुनिया आके सलाम ठोकती है, बस यही लिखती है नीचे कि भाई साहब वो लड़का तो ऐसा था ना, दिन रात भले ही आपको उसने आज तक गालियाँ दी हों, लेकिन जब जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन यही बातें कही जाएंगी, दिन रात सिर्फ मैंने उसको पढ़ते देखा है। और आप भी एक बार आदमी सफल होता है, सफलता से पहले वो अपनी वास्तविकता बताता होता है, सफल होने के बाद वो अपनी वास्तविकता को थोड़ा और गहराई में जाके बताने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक नहीं सफल हुए तब तक तो दुनिया को बता रहे थे कि यार 5 घंटे 6 घंटे ही पढ़ा हूँ, लेकिन जिस दिन सफल हो गए उस दिन बता रहे हैं 12-12 घंटे 13 घंटे लगातार पढ़ते थे हमने, एक दिन नहीं छोड़ा, हिंदू हमसे एक दिन नहीं छूटा। तो ऐसी बातें तब भी की जाएंगी। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती, सफलता की बहुत कहानी होती है। तो संघर्ष आपके इस संघर्ष को उस दिन आप समझिए, उस दिन आपके वो आंसू खुशी के होंगे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। और उससे पूर्व जब तक आप संघर्ष हैं, दुनिया भर के कमेंट, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी सब मजाक बना रहे हैं कि अरे लो पढ़ते पढ़ते गंजा रहे हो, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा। जिस दिन हो जाओगे उस दिन दुनिया भर के लोग उस गंजेपन को नहीं देखेंगे, बाकी सारी बॉडी को तुम्हारी देख लेंगे, आदतों को देख लेंगे, क्वालिटीज को देख लेंगे, गंजापन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा उनको, बाकी सब दिखाई देगा। ये सच्चाई है, ये समाज की बहुत ही गंदी सच्चाई है जो साथ में चलेगी। तो सफलता की बहुत कहानियां हैं, संघर्ष की एक भी कहानी नहीं होती। वो बच्ची जो अपने पिता को लेकर 1200 किलोमीटर की साइकिल चलाते हुए चली गई, वो तो टीवी ने हाइक कर दिया, इसलिए वो न्यूज़ भी आ गई, उसके संघर्ष का कुछ पता लग गया, संघर्ष की कुछ कहानी भी हो गई। लेकिन जब उसको अमेरिका में जाके लोगों ने, एक फेडरेशन ने उसको कॉल करके बोला कि हम आपको आपका ट्रायल लेना चाहते हैं, अमेरिका कह रहा है हम आपका ट्रायल लेना चाहते हैं कि 1200 किलोमीटर की साइकिल आपने कैसे चला दी, उसके बाद हम आपको साइकिलिंग सिखाएंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपको खाना खिला सब कुछ देंगे हम आपको, तब उसकी कहानी, आप ये मानिए कि उसकी कहानी सक्सेसफुल, उसकी कहानी सफल हो चुकी है। वरना संघर्ष को कोई नहीं पूछता, एक दिन पूछेगा, दो दिन पूछेगा, तीन दिन पूछेगा, उसके बाद हर कोई भूलेगा। तो संघर्ष की कोई कहानी नहीं है, सफलता की बहुत कहानियां हैं। इस सोच के साथ पढ़िए, इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि कल अगर सफल हो जाएंगे तो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको विशेष नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। आज हो सकता है आपके माता पिता को, हो सकता है आपके भाई बंधुओं को, हो सकता है आपके किसी और पड़ोसी अड़ोसी को जो आपसे बहुत संबंध हो, कोई पूछ भी ना रहा हो कि अरे उनके दोस्त हो, वो तो एक नंबर के मतलब जो भी हैं वो हैं, अच्छा उनके बेटे हो, अरे आपका बेटा तो बिल्कुल एकदम कूड़ा निकल गया, क्या कर रहा है, अच्छा दिल्ली में, गाजियाबाद, अच्छा वहाँ इलाहाबाद में रहता है, कब तक कर रहे हैं, तैयारी करते चले जा रहे हैं, कभी सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो ये कई सारे कमेंट, ये कई सारी बातें, ये कई सारी चीज़ें पड़ोसी के भी लोग भी सुना देंगे, अड़ोसी के लोग भी सुना देंगे, लेकिन उस दिन ये सुनाना एकदम बंद हो जाता है जिस दिन आप सफल हो जाते हैं।
उससे पहले बहुत सी बातें आपको सुनाई जाएंगी, बताई जाएंगी, कही जाएंगी। तो लड़िए, अपने लिए लड़िए, उसके लिए मत लड़िए, अपनी सफलता के लिए लड़िए, अपने परिवार की सफलता के लिए लड़िए, अपने निकट संबंधियों की सफलता के लिए लड़िए कि ताकि लोग उनको कुछ ना कह पाएँ, आपको कुछ ना कह पाएँ। आज अभी तक, आज की डेट तक जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे फॉलो कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो चाहते होंगे कि इनकी तरह बोलना सीख जाएं, इनकी तरह पढ़ाने लगे, इनकी तरह आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत चीज़ें बहुत आसान होती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए, संघर्ष चाहिए। और इस संघर्ष की कहानी अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो कहानियाँ बहुत तेज होंगी, है ना। देखते हैं ना अब यूट्यूब चैनल्स को, कि अगर वहाँ पर ये लिख जाए ना कि डीएम 11वीं रैंक और आपको पढ़ा रहे हैं, तो 50,000 लाख व्यू, 10-10 लाख व्यू चले जाएंगे। लेकिन वहीं एक ऐसा व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है जो अपने आगे कुछ लगाना नहीं चाहता, जानबूझकर लगाना छोड़ दे रहा है, तो वहाँ व्यू नहीं आते हैं। उसका कारण है कि उसने अपने बारे में बताया नहीं हुआ है, समझ रहे ना इस चीज़ को। तो ये होता है, अभी आप भी कुछ हासिल कर लेंगे तो लोग आपके पीछे लाइन लगा के दौड़ेंगे, और आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे तो लाइन लगाकर आपके पीछे कोई नहीं दौड़ेगा। इसलिए सफल होने के लिए, अपनी सफलता की, उन संघर्षों की कहानी को सुनाने के लिए सफल होइए, जो आपने संघर्ष किए हैं उन्हें सुनाने के लिए सफल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तब तक लोग आपके बारे में, आपकी संघर्ष के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ संघर्ष किस हद तक करना है और सफलता कहाँ से मिलेगी। तो एक एग्जांपल ये कि एक छोटा बच्चा जो क्रिकेट के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, वो अपने गुरुजी के पास पहुँचा और एक शॉट खेल रहा है, और शॉट जिस जगह पर बैट पे लगना चाहिए उस जगह पर शॉट नहीं लग रहा। तो उसके गुरुजी ने उस बच्चे से, उस लड़के से कहा कि तुम्हारा शॉट बैट के इस भाग में हिट करना चाहिए, लेकिन ये इस भाग में हिट नहीं कर रहा है, अभी सही नहीं लग रहा शॉट। तो गुरुजी कोचिंग में बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग में, बच्चा वहाँ से चला गया है। दिन बीत रहा है, शाम का 5-6 बजा है, वही बच्चा सफ़ेद टी शर्ट में बिल्कुल लाल हो रखा है, पसीने में बह रहा है बिल्कुल, बैट देके गुरुजी से कह रहा है कि गुरुजी अब शॉट लगाता हूँ, देखिए अब सही लग रहा है। उसने शॉट लगाया, शॉट एकदम सटीक उसी जगह पर लगा जहाँ पर लगना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि क्या कर रहे, तब से ये पसीने में क्या हुआ, तब से क्या कर रहे थे? तो उसने बताया कि जब आपने मुझसे कहा था कि शॉट इस जगह पर लगना चाहिए, तो मैंने बॉल को धागे से टांगा दीवार से, और मैं तब से सुबह से लेकर शाम तक इसी प्रैक्टिस में लगा हुआ था कि शॉट इस जगह पर हिट करे। और वह व्यक्ति जो शुरुआत में संघर्षरत रहा, वह लड़का जो शुरुआत में संघर्ष करता रहा, और अंत में जाकर वो महान लेजेंड जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, यही वो बच्चा था जिसने शुरुआत में इतनी कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, और अंत में जाके भारत देश का, या मैं कहूँ विश्व का एक महान क्रिकेटर बन चुका है। आज बच्चे बच्चे के मुँह पर उसका नाम है। फिर चाहे मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लूँ, चाहे फिर मैं अब्दुल कलाम की बात कर लूँ, चाहे फिर मैं किसी भी ऐसे शख्सियत की बात कर लूँ जो, जिसने संघर्ष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर लूँ, शुरुआत में संघर्ष रहा, महात्मा गांधी की बात कर लूँ, शुरुआत में संघर्ष रहा, लेकिन एक बार सफल हुए तो संघर्ष की कहानी लोगों ने सुननी चाहिए और लोगों ने सुनकर उसको फॉलो भी करना चाहा। लेकिन अगर आप सफल ही नहीं हो पाए तो आपके संघर्ष का कोई वैल्यू नहीं बचेगा, कोई नहीं पूछता फिर उसके बाद में। इसलिए उस संघर्ष के लिए लड़िए, उस संघर्ष के लिए उठ खड़े होइए, उस संघर्ष के लिए, मतलब जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, इस मादे के साथ, इस मादा आपके अंदर, मतलब इतना जज्बा होना चाहिए कि बस अब चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना है, लड़ना है, और उस सफलता को खींच के मानेंगे चाहे कुछ भी हो। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात मैं फिर से ख़त्म करूँगा, हमेशा मेरी एक दो पंक्तियों के साथ चलती हैं। ये दो पंक्तियाँ उनके लिए जो कुछ ना कुछ तो कम से कम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कि ठीक है, कोरोना काल है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, कम से कम हम प्रयास तो कर रहे हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए, अपने आप को हारने मत दीजिए, गिरने मत दीजिए, लड़खड़ाने मत दीजिए, सदे रहिए, जीत जरूर होगी, और एक दिन लोग आपकी कहानी को भी न्यूज़पेपर की टॉप हेडलाइन में पढ़ रहे होंगे कि फलां व्यक्ति का बेटा या बेटी ने ये हासिल किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।